हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप बिज़नेस स्टडीज़ की केस स्टडीज़ हमारी वेबसाइट से फ्री में पढ़ सकते हैं। तो देखिए, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। सपोज़ मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूं और यहां पे मैं सर्च करूंगा businessvidya.co.in। अब जैसे आप हमारी वेबसाइट में आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा एक ब्लॉग ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। आपको कोई भी बुक की कोई भी मतलब क्लास पहले तो चुन लेना, जो भी क्लास में आप हैं उस क्लास को सिलेक्ट कर दीजिए। फिर आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस स्टडीज़ में जाइए। यहाँ पे उन्होंने हर चैप्टर के वीडियोज़ प्लस नोट्स भी आपको प्रोवाइड करके दिया है, ठीक है। तो सपोज़ कीजिए कि आपको नेचर एंड पर्पस ऑफ बिज़नेस का नोट्स देखना है, तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए, जो हमारी जो केस स्टडी है ना, वो नोट्स के अंदर में आपको मिलेगी। सपोज़ आपने नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का नोट्स खोला, तो आप इसको सबसे नीचे जाते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे, नीचे 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 नीचे, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, ये है कि केस स्टडी जो सबसे नीचे हमने प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पर आप इज़िली केस स्टडी पढ़ सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, वेबसाइट को थोड़ा सा जूम इन नहीं हो रही है, चलो कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ से आप इजीली क्या कर सकते हो, पूरी केस स्टडीज़ को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं फ्री में, ठीक है। तो गाइस, ये है सबसे सिंपल फंडा हमारी वेबसाइट में, आप किस तरीके से फ्री में केस स्टडीज़ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी चैप्टर की केस स्टडी पढ़नी होगी, आप उस स्पेसिफिक चैप्टर में इस तरीके से आ जाइए, उसके नोट्स में जाइए और सबसे लास्ट में सबसे बॉटम में जाइए उस नोट्स के, वहाँ पे आपको केस स्टडी की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ। आप ई कॉमर्स के बच्चे हैं, सो आप डेफिनेटली हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट को अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। यह आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए गाइस, मैं चलता हूँ, चलिए बाय।